हम बनाएंगे मिनी समोसा। समोसा बनाने के लिए हम एक कप मैदा लेंगे, उसके अंदर आधा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालकर उसमें 3 चम्मच घी डाल देंगे। टाइट डो बनाने के बाद इसमें 1 चम्मच घी डालकर इसको 10 मिनट तक रख देंगे। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। उसके बाद 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालकर उसको सौते करेंगे। फिर इसमें 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई प्याज डालकर उसको सौते करेंगे। इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्ची डालकर इसको 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब ऐड करेंगे 2-3 उबले हुए आलू। अब ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी हींग। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, इसको भी भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब थोड़ी सी मैदा लेकर इसकी छोटी सी एक लंबी रोटी बनाएंगे, उसको पतला बेलेंगे बिल्कुल। अब इसको बीच में से काट कर इसका समोसे का आकार बनाने के लिए इस पर थोड़ा सा पानी लगाकर इसको अच्छी तरीके से सील करेंगे। इसमें आलू भरेंगे। इसके बाद अब पीछे भी पानी लगाकर इसको अच्छी तरीके से सील कर लेंगे। इसी तरीके से सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करेंगे मीडियम टू हाई। इसमें समोसे डालने के बाद इनको मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं। अब आप भी अपने घर ट्राई करें और इन्जॉय करें।